नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें आज हम बात करेंगे हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन या फिर हाउ टू रजिस्ट्रेशन इन इंडियन आर्मी। तो चलिए, आप जो है वो गूगल पे टाइप करेंगे इंडियन आर्मी, ठीक है। फर्स्ट पेज पे आपको दिख जाएगा ज्वाइन इंडियन आर्मी, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको एक कैप्चा फिल करने के लिए आएगा। आप कैप्चा सिंपली आप उसको फिल करोगे। अगर आप जीडी क्लर्क और ये टेक्निकल की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जेसीओ और एनरोलमेंट वाले, इसमें इस वाले में आप जाओगे और अप्लाई टू लॉग इन, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको ईमेल आईडी और यूजर नेम आपको मिला होगा, तो यूजर नेम और पासवर्ड लॉग इन कैप्चा और लॉग इन आप कर सकते हैं। आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। ये आपके सामने इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे के रखी है, इसको आपने केयरफुली रीड करना है, ठीक है। आपको जो है वो पहले स्टेट जो है वो सिलेक्ट करना है, जैसे हमारा हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल को हम इसमें, और आपको 16 अंकों का जो है वो अपना आधार कार्ड यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, एंटर करने के बाद कैंडिडेट नेम मैं डेमो के लिए डाल देता हूँ SPCH, और SPCH, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ हम डाल देते हैं 99, ठीक है। और ईमेल आईडी डालेंगे हम लोग, इस वाले कॉलम में हमें अपना ईमेल आईडी एंटर करना है, ठीक है। और यहाँ हम लोग डाल देंगे अपना मोबाइल नंबर, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोगों को सबमिट पे क्लिक करना है। आधार वेरिफिकेशन स्टेटस, तो आपको जो है वो सही से अपना आधार कार्ड नंबर जो है वो डालना है, तभी आपका वेरिफिकेशन होगा, नहीं तो इनवैलिड आधार कार्ड नंबर जो है ये बता रहा है, ठीक है। एक बार फिर इनवैलिड है, पर हम लोग जो है वो फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि OTP सेंड ऑन योर जीमेल आईडी, तो आपको फिर जीमेल आईडी पे अपना जाना है, ठीक है। और आपको ओपन करना अपना ये, देखिए वेरिफिकेशन कोड आ गया है। आपको भी इसी प्रकार से जो है वो वेरिफिकेशन कोड जो है वो मिलेगा, सिंपली आपको इसको एंटर करके PC009। जैसे आप एंटर करोगे ये बफरिंग करना स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। SPCH इसने उठा लिया है। आपको यहाँ पे अपना मैरिड स्टेटस डालना है, और यहाँ पे आप अपना हाई डालोगे जो होगा, और अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आई है आधार नंबर, ओके है आधार नंबर हमने डाल दिए, ठीक है। स्टेट हमारा सिलेक्टेड है और डिस्ट्रिक्ट हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। तहसील, अब ये जैसे आप अपना कांगड़ा हमने सिलेक्ट किया तो ये चलो हमीरपुर, हम
एक बात और, बीच में अगर आप फंस जाएंगे तो आप बीच में छोड़ना मत, नहीं तो बार बार आपको जो है दोबारा से आपको डालना पड़ेगा। एक बार रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हो तो आपको उस पर कंटिन्यू बने रहना है, नहीं तो आपको एरर आ जाएगा और आपको फिर से जो है वो स्टार्टिंग से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अभी ये ऑलरेडी हमारे यूजर नेम पासवर्ड है तो ऐसे बना हुआ है, लेकिन हम लोग रजिस्ट्रेशन करने की जो है वो स्टार्टिंग से इसको जो है वो सीखेंगे कैसे करना है। लॉगिन हो गया, हिमाचल प्रदेश, आधार नंबर, ठीक है, कैंडिडेट नेम, एस पी सी एच, यहाँ मैंने आधार कार्ड जो है वो अपना गलत डाला था, पर आप अपना सही डालिएगा, ठीक है। चौसठ 206, ठीक है। ऑलरेडी डिटेल्स इसमें फिल है, आपको मैरिज कराना है, इसमें अनमैरिड हो गया, यहाँ आप डालोगे अपना हाइट, ठीक है, यहाँ पे कांगड़ा, तो आप इन तहसील के लिए हाइट अपना क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं ये हाईएस्ट, तो अगर ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएशन करा लेगा, प्लस टू तो प्लस टू डालेगा, ठीक है। स्टूल ट्राइब नो, ठीक है। पास्ट अपेयर है, अभी कर रहे हैं तो अपेयर पे, पास है तो पास्ट पे आप क्लिक करोगे। ट्रेड्समैन नो, आप देख लो, आप स्टेट बोर्ड हो गया, अगर आपका इस बार स्टेट बोर्ड डालिएगा, सीबीएसई, सीबीएसई, आईसीएसई है तो ओपन स्कूल है तो ओपन स्कूल, और अदर है तो अदर, जो भी आपका बोर्ड है। जैसे हमारा है एचपी बॉस, तो स्टेट बोर्ड हो गया धर्मशाला, ठीक है, स्टेट हिमाचल प्रदेश, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग ओपन स्कूल, क्यों दे रहा है, यहाँ सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिक का आपको सर्टिफिकेट डालना है, झारखंड नहीं भाई, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नो हो गया, आर्मी नंबर, आर्मी नंबर तो नहीं देने का, ठीक है, रेजिमेंट, ये सब फिल करने के बाद बाकी ये कॉलम आपको छोड़ देने का है, ठीक है। यहाँ हमें बता रहा, देखो यूजर नेम जो आप ईमेल आईडी डालोगे वो आपका यूजर नेम होगा, पासवर्ड हम लोग डाल देते हैं, कम से कम 8 अंकों का होना चाहिए, ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कैप्चा डालोगे और सेव पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट रिक्वायर्ड, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के लिए बोल रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हम लोगों ने भर दिया। ये जस्ट डेमो है, आप सही से भरिएगा, ठीक है। अभी कैप्चा रह गया, ठीक है, 3 4 1 2 1 8, ये सर्वर प्रॉब्लम है आई थिंक। अभी हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और अभी हिमाचल वाले कैंडिडेट के लिए जो है वो सिंपल सा, जब अप्लाई करने की डेट हो जाएगी तो शायद तभी हम लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, स्टेट सेलेक्ट करके तभी ये हमारा जो है वो
डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद जो तहसील है उसका ऑप्शन नहीं दे रहा है, बट मैं आपको फिर भी ये रजिस्ट्रेशन का फुल कंप्लीट प्रोसेस बता देता हूँ, या चेक एबिलिटी पे भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चेक एबिलिटी पे क्लिक करके आपको ये दिख जाएगा, आप यहाँ सिंपली, चलिए इस पे क्लिक करके भी देख लेते हैं। इसमें भी हम लोगों को स्टेट जो है वो सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा डाल देते हैं, तहसील नूरपुर डाल लेते हैं, हाइट है हमारा 168, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, +2 पास, पास कर लिया तो ठीक है, पास पे क्लिक करूँगे, अपेयरिंग पे कर रहे हैं तो अपेयरिंग रहेगा, ठीक है। मेल हो गए, मैरिड और अनमैरिड, अनमैरिड नो नो, ठीक है। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो सिलेक्ट करना है, स्पोर्ट्स पर्सन, सन ऑफ ब्रदर और आर्मी पर्सनल, टेरिबल लोकल और गोरखा नेपालीज, वो आपको सिलेक्ट करना है। चेक एबिलिटी पे क्लिक करोगे, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आ गया, देख लीजिए। एप्लीकेशन नोट ऑफ सोल्जर टेक्निकल के लिए हमारा नहीं है, सोल्जर जीडी क्लर्क के लिए है, बाकी के लिए नहीं है, ठीक है। सोल्जर क्लर्क के लिए ठीक है, अप्लाई कर दिया। अब ये देगा आपको रजिस्ट्रेशन के लिए फर्स्ट, क्योंकि अगर आपके पास यूजर नेम, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया फिर आपको प्रोसेस का पता ही होगा, अगर आपने नहीं करा तो हमें रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना है, ठीक है। सेम प्रोसेस है, अभी मैं आपको बता देता हूँ रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। चेक एबिलिटी देख लिया, अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। ये हमारा रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, इसमें भी सिंपली हमें अपना नाम, मम्मी पापा का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ईमेल आईडी डालना है, सिंपल सा प्रोसेस है, ईमेल आईडी। और जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे मेल पे जो हमें ओटीपी मिल जाएगा, ओटीपी हम लोगों को यहाँ डालना है, सबमिट पे क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप पे हमें फिल करेक्ट डिटेल इन ईच फील्ड, तो हर एक जगह पे अपनी सही से स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, तहसील अच्छे से फिल करना है, बाकी तो हम लोगों ने ऑलरेडी फिल कर दिया रजिस्ट्रेशन के टाइम में, सारे कॉलम हमें फिल हुए ही मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना एक बार मैं फिर बता दूँ, अगर आप +2 आपने कर लिए तो पास्ट पे, अगर कर रहे हैं तो अपेयरिंग पे क्लिक करिएगा, ठीक है। सबमिट सेव, यहाँ आपको पासवर्ड अपना क्रिएट करना है, 8 अंकों से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 8 अंकों होने चाहिए और 8 से ऊपर का हो सकता है। पासवर्ड क्रिएट कर लिया, कैप्चे पे आप जो भी वो आएगा यहाँ पे नंबर्स और लेटर वो आपको इधर डालना है, सेव पे क्लिक किया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आपको हाइट डालने के लिए आएगा, तो आप एग्जैक्ट हाइट डालिएगा, क्योंकि जब आप भर्ती देने जाओगे तो आप फॉर्म को जो है वो एक बार चेक करेंगे कि आपने कितना हाइट डाला था, उसी हिसाब से वो चेक करेंगे। अपना क्वालिफिकेशन डाल दिया, फिल द करेक्ट डिटेल्स ईच फील्ड एंड क्लिक हियर, तो चेक एबिलिटी पे आप जाओगे दोबारा, वो चूज योर एप्लीकेशन, क्लिक हियर, एप्लीकेशन पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जीडी क्लर्क और टेक्निकल या फिर नर्सिंग के लिए अगर होगा रिक्वायरमेंट, तो फिर क्या है आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, बस इतना सिंपल सा है। फिर आपका यूजर नेम पासवर्ड बन जाएगा, तो प्रोफाइल पे आपको अपना अप्लाई ऑनलाइन हो गया, हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन हो गया, चेंज पासवर्ड आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, जैसे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा तो फिर से आपको लॉगिन करना है और एडमिट कार्ड पे क्लिक करोगे तो आपका एडमिट कार्ड जो है आपको दिख जाएगा और आप आराम से जो है वो अपना एडमिट कार्ड बाद में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहीं पे आपका माय प्रोफाइल पे जाओगे, इंस्ट्रक्शन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन डिटेल्स हो गया, एजुकेशन डिटेल्स हो गया, यहीं पे आपको अपना एक फ़ोटो और सिग्नेचर भी डालना है, जो कि 5 KB और 20 KB के बीच में होना चाहिए, अगर 5 KB से कम होगा तब भी ये उठाएगा नहीं, 20 KB से ऊपर रहेगा तो अपलोड नहीं होगा, ठीक है। 5 और 20 KB के बीच में जो है होना चाहिए आपका पिक्चर, फोटो और सिग्नेचर आपका 5 KB से 10 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। सेव और कंटिन्यू, सेम डिटेल है। फिर आगे आप हमारा कम्युनिकेशन डिटेल्स में हमारा एड्रेस पूछेगा, डिटेल्स में हमारा कैटेगरी के बारे में पूछेगा, सेव और कंटिन्यू आपको करना है। नेक्स्ट स्टेप पे आपका, अगर आपने पीछे कैटेगरी में या रिलेशन में आपके ब्रदर या फादर हैं तो उसके बारे में अगर आपने डाला होगा, सेलेक्ट किया होगा, तो
यहाँ पे आपको ये ऑप्शन भी देखने को मिलेगी, ये आपको भरना पड़ेगा, उनका रैंक हो गया, उनका कौन सा रेजिमेंट है, तो वो सब आपको फिल करना पड़ेगा। अगर आप हैं तो आपको ये कॉलम दिखेगा, अगर आपने नहीं भरा है तो आपको ये कॉलम नहीं दिखेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट में एजुकेशन डिटेल्स हो जाएगी, और फिर आपका नेक्स्ट पे आपको क्या दिखेगा, ये सब्जेक्ट जो जितने नंबर आपने लिए हैं वो आपको डालने, कितने आपने लिए और टोटल कितने नंबर का पेपर था, उसमें से कितना एवरेज या प्रतिशत आपने लिया, परसेंटेज, वो आपको फिल करना है। कभी भी आप इनको एडिट कर सकते हो, सेव कर सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर क्या, फिर आप आ जाइए, लॉगिन कीजिए आराम से अपने प्रोफाइल में, एप्लीकेशन देखिए, हिस्ट्री पे एप्लीकेशन देखिए, और आप जो है वो आपका एप्लीकेशन आपको आपके डैशबोर्ड में दिख जाएगा। बहुत ईजी सा प्रोसेस है। जब आप ये सबमिट कर लोगे तो आपको फॉर्म कुछ इस प्रकार से दिखेगा एप्लीकेशन डिटेल्स में, और ये पीडीएफ है, पीडीएफ क्लिक करके आपको पीडीएफ कुछ इस प्रकार से दिखेगा, आप प्रिंट निकाल के अपने पास सेव कर लीजिए, कैफे में भी भर सकते हैं, और ऑनलाइन आप मोबाइल से भी आराम से हो जाता है आजकल। अगर किसी को क्वेश्चन, कोई भी सेलेक्टेड क्वेश्चन क्वेरी या इमेज का सेटअप, सिग्नेचर के इमेज का सेटअप नहीं हो रहा है, के भी आपका डाउन नहीं हो रहा है, तो आप सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर जाइए, हमारा वेबसाइट विजिट कीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, या इंस्टा पर फॉलो कर लीजिए, या हमारा फेसबुक ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से हम आप जो है हमें मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आराम से आपको, आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कीजिए, अपना पिक्चर और सिग्नेचर का पिक्चर भेजिए, 5 KB, 20 KB और 5-10 KB जो भी, अगर आपको पिक्चर अपलोड करने में दिक्कत हो रही है तो वो उस रेशो में करके मैं आपको दे दूँगा। और आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे अपकमिंग इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इसी के साथ ही जय हिंद, थैंक यू। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इस पीडीएफ का लिंक भी दे दूंगा, आप आराम से इस पीडीएफ को देख के भी अपना प्रोसेस जो है वो फॉलो कर सकते हैं, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपको अपना प्रोफाइल मेंटेन करना है, और यूजर नेम और पासवर्ड आप संभाल के रखिएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आप अप्लाई करेंगे, ये आपको सिंपली सी यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, अपने प्रोफाइल में जाइए, आपको दिख जाएगा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन चेक एबिलिटी पर जाके जो है वो एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए, आपके प्रोफाइल में वो एप्लीकेशन आ जाएगा, ठीक है।